सर्बिया का वीजा के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आपको वीजा नहीं मिल रहा, मुझे वीजा नहीं मिल रहा, फिर वीजा मिल किसको रहा है भाई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे पास इंस्टा पे मैसेज आते हैं वीजा के साथ, वो क्या क्या बोलते हैं कि सर आप वीजा चेक करो ओरिजिनल है कि नहीं है। पहली चीज तो भाई मैं एम्बेसी का मेंबर नहीं हूँ, ठीक है? अगर आपको वीजा चेक कराना है तो आप एम्बेसी विजिट करो, ठीक है, या फिर आप उनको मेल करो, लेकिन मेल का रिस्पॉन्स भी नहीं आता है। कई सारी चीजें हैं, है ना? तो वही बात करेंगे भाई, आपको वीजा नहीं मिल रहा, मुझे वीजा नहीं मिल रहा, तो इन बंदों को वीजा कहाँ से मिल रहा है? ये क्या बवाल है, ये क्या लफड़ा है? इसी के बारे में बात करेंगे। क्या पता क्या चल रहा है मार्केट में, तो थोड़ा सा अलर्ट होना जरूरी है। अलर्ट होने से क्या होता है कि हम जहाँ पे गलती करते हैं या फिर कर सकते हैं वहां से हम बच सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। तो वही मैं आपको बताऊंगा सर्बिया के वीजा की लेटेस्ट अपडेट और ये वीजा कहाँ से मिल रहे हैं भाई लोगों को जब हमें नहीं मिल रहे। तो वेलकम चलिए बैक टू द चैनल, मैं रुबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्बिया के वीजा की लेटेस्ट अपडेट, और भाई आपको जब वीजा नहीं मिल रहा तो मिल किसको रहा है, ये वीजा कहाँ से आ रहे हैं भाई? तो भाई मेरे पास अभी सब्सक्राइबर हैं अपने, उन्होंने वीजा भेजे, उन्होंने बोला कि ये वीजा चेक करो। मैंने देखा भाई वीजा एकदम ओरिजिनल लग रहे हैं। अब उसको करें क्या, चेक कैसे कर सकते हैं? कोई पोर्टल तो है नहीं, या फिर ई वीज़ा का कोई एप्लीकेशन नंबर तो है नहीं कि डाल के चेक कर लें, है ना? वेबसाइट पे ऐसा चेक नहीं कर सकते स्टिकर वीज़ा को। तो भाई अभी के टाइम में जो एम्बेसी है, सर्बिया एम्बेसी, वो रिस्पॉन्ड तो किसी को भी नहीं कर रही है। इंडिया में किसी को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है इक्का दुक्का तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब वीज़ा किसी को तो ग्रांट कर ही नहीं रहे। तो एक बहुत बड़ा पता नहीं क्या चल रहा, आप लोगों को पता है मेरे हिसाब से तो ये इशू है भाई बहुत बड़ा। और इसके ही चलते काफ़ी सारे लोग को मैसेज आते रहते हैं कि क्या अपडेट है, कैसे आप इस चीज़ को थोड़ी अपडेट दो, इसके बारे में बताओ कि भाई क्या वीज़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो भाई अभी के टाइम में कोई वीज़ा किसी को भी नहीं मिल रहा। कुछ एप्लीकेशन हमने खुद भी डाल रखी थी जिनमें से किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि क्या अभी उसका रिस्पॉन्स है और कैसे कब अप्लाई किया था। वो सारी चीज़ आप खुद देख लेना, और फिर आपको पता चलेगा कि भाई आपको भी ये नहीं करना चाहिए था और आगे भी नहीं करना चाहिए। इंडिया से भाई सर्बिया का वीज़ा कभी भी अप्लाई मत करना, सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल, ठीक है? इस चीज़ को समझ जाओ आप। और जब तक भी भाई ये चीज़ ऐसे चलती रहेगी तो मेरे हिसाब से कोई रिस्पॉन्स इसका आएगा नहीं। लेकिन जैसे जो रिस्पॉन्स आना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले भाई वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो इसीलिए भाई लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाइयों। अभी हम आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको कुछ दिखाऊंगा जो आप लोगों को पता होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक वीज़ा आया भाई, ठीक है? और इस वीज़ा में आप देख सकते हो, आप वैसे ही देख के नहीं बता सकते कि भाई ये वीज़ा फेक है कि रियल है। मुझे भी लग रहा है कि भाई ये रियल है, बट जब एम्बेसी वीज़ा दे ही नहीं रही तो रियल वीज़ा कहाँ से होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल। तो इसमें आप जी देखो कि यार इसमें आप सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, टाइमिंग भी मिलेगी, सब कुछ है इसमें, सारी चीज़ें हैं जैसे कि एक ओरिजिनल स्टिकर वीज़ा में होनी चाहिए। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता सकता कोई कि ये स्टिकर वीज़ा फेक है या रियल है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। तो भाई इस ऐसी एजेंटों एजेंटों के चक्कर में आप मत ही पड़ना, क्योंकि ओरिजिनली जो सोर्स है वीज़ा प्रोवाइड करने का उस पे एम्बेसी रिस्पोंड नहीं कर रही है और काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो ये आपने देखा कि भाई कैसे कैसे वीज़ा मिल रहे हैं लोगों को, ठीक है? अपने सब्सक्राइबर थे उनको ये वीज़ा मिला, तो उन्होंने ऐसे पूछा कि ये फेक है कि रियल है। तो भाई जब सर्बिया एम्बेसी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है तो रियल वीज़ा कहाँ से हो गया, इनको कैसे मिल गया? और जब मैंने इनसे पूछा कि भाई आपको मिला कहाँ से, एम्बेसी से मिला है, जैसे एम्बेसी ने स्टम्पिंग करके दिया, बोला नहीं ये हम एजेंट ने दिया है। तो आप समझो कि भाई एजेंट को कहाँ से मिल गया जब एम्बेसी वीज़ा नहीं दे रही है, मेल पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ईमेल पे कि क्या एम्बेसी रिस्पॉन्ड कर रही है नहीं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ये मैं वैसे ही बोल दूँ कि नहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। रियलिटी में आप खुद देख लेना कि सर्बिया एम्बेसी रिप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अगेन लैपटॉप की तो स्क्रीन भाई पर। ये वीज़ा हमने खोल लिया है, ठीक है? तो भाई ये ईमेल हमने खोल लिया है जिससे कि वीज़ा अप्लाई किया था, और भाई आप डेट देख सकते हो 2023, ठीक है? और ये प्रगट सिंह हैं बंदे, और इन्होंने अप्लाई करा था
लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आप खुद देख सकते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वीज़ा अप्लाई कर रखा है, ये देखिए वीज़ा अप्लाई कर रखा है। 23 को वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन उसके बाद बस मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन कोई एम्बेसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो भाई ये चीज़ बड़ी ही डिफ़िकल्ट लोगों के लिए समझना कि भाई क्या इसमें कोई रिस्पॉन्स एम्बेसी देगी या नहीं देगी, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो भाई ये मैंने आपको दिखाया कि एम्बेसी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। 23 फरवरी का अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उनका रिजेक्शन का रिस्पॉन्स नहीं आया, उनका प्रोसेस का रिस्पॉन्स नहीं आया, किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो अगर किसी भी भाई को कोई अपडेट है या कोई रिस्पॉन्स मिला है, किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन मिली है सर्बिया वीज़ा के रिगार्डिंग, तो आप हमारे साथ शेयर करो। आप कैसे कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो करके आप मैसेज करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और आप जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी भाइयों की हेल्प हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो भाई ये चीज़ थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, काफ़ी बंदे पूछ रहे थे तो इसीलिए वीडियो बनाई। होपफुली अगर ये अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर जरूर कर देना और लोगों के साथ, ताकि लोग और भी लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प हो। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।